हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव यामिनी। आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ मेरा ज्वेलरी कलेक्शन। आप देख सकते हो ये 3 बॉक्सेस हैं जिसमें मेरे लॉन्ग चेन्स, नेक पीसेज और टीका प्लस ईयरिंग्स वाले जो सेट्स होते हैं जो रिसेंट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ। सो ये 3 बॉक्सेज हैं। फर्स्ट, इसमें सारी जो लॉन्ग चेन्स वगैरह हैं, सिंपल चेन्स है, बेसिक चेन्स जो हैं वो मैं स्टोर करके रखती हूँ। ये दूसरा जो बॉक्स है वो एक स्वीट बॉक्स है, एक मिठाई का डब्बा है जो कि है बौरीलाल मिठाई की तरफ से, जो कि सकरात वाला था। ये मुझे इसका प्रिंट बहुत ज़्यादा पसंद है, इस कैनवास डिज़ाइन, ये कैनवास डिज़ाइन पर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रिंट है। मुझे इस तरीके के प्रिंट्स बहुत पसंद है, इस वजह से मैंने इस बॉक्स को स्टोर किया हुआ है। इस तरीके के मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं, तो फ़िलहाल तो ज़्यादा ज्वेलरी नहीं है गाइस, मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं है, बहुत ही लिमिटेड कलेक्शन है। प्लस जो भी कलेक्शन है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, गिफ्टेड है, और मुझे बहुत कम ज्वेलरी पसंद आती है। मतलब मुझे ज्वेलरी पसंद बहुत है, लेकिन सभी की एक चॉइस होती है, उसके अकॉर्डिंग जो मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं उसे ही लेती हूँ, सारी चीज़ें नहीं खरीदती जाती। और ये 2 सेट हैं जो कि टीका प्लस ईयरिंग्स है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके संग शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है, पास ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन का उस पर भी हिट कर दें तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। अगर आप मुझे फॉलो करना चाह रहे हैं ऑन इंस्टा तो आईडी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो की मेरे कलेक्शन में स्पेशल क्या है। गाइज़, आप देख सकते हो ये फर्स्ट बॉक्स है और ये मेरा फर्स्ट ही बॉक्स है जो कि मैंने ज्वेलरी के लिए इस ज्वेलरी को शो करने के लिए बाय किया था। और जब मैंने इसे लिया था, आप साइज़ देख के समझ सकते हो कि मैंने ये लिया था, मतलब कि मेरे पास ज़्यादा ज्वेलरी नहीं थी। इसमें जितने भी सेट है उसके आधे ही सेट थे मेरे पास, चेन्स थी जो मैंने इसके अंदर रख रखी हैं, और ये सारी ही लॉन्ग चेन्स है। तो स्टार्ट करते हैं बाय वन। फर्स्ट है ये इस तरीके की फिरोजरी बोलते हैं जिसे, जो कि है वुडन के मोतियों की, ये अगेन वुडन है और मुझे इस तरीके की चीज़ें बहुत पसंद है। इसमें कि मेरे पास ब्रेसलेट्स भी हैं, अगर आप ब्रेसलेट और बैंगल्स का कलेक्शन देखना चाह रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो एक फर्स्ट चेन ये वाली है जो कि अगेन मेरी फेवरेट वन है, बहुत ही प्यारी है। और ये है एक स्टार वाला जो कि एक टॉप के संग लगा हुआ आया था, काफ़ी सारे टॉप ट्रेंड में चल रहे थे जिसमें इस तरीके की चेन्स आती थी, तो उसी में ही आया था। काफ़ी सारी ज्वेलरी डी क्लटर की रखी हुई है, तो मे बी पॉसिबल जल्दी ही डी क्लटर करना भी स्टार्ट कर दूंगी मैं, क्योंकि मैं ऐसे डी क्लटर करती नहीं हूँ। अगर कोई मेरे घर पे गेस्ट वगैरह आते हैं या कोई सर्वेंट वगैरह आते हैं जिनको ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती है वो ख़रीद नहीं सकते हैं, तो उनको मैं दे देती हूँ, तो मैं इस तरीके से एकदम से ग्लीक रख कर रख ख़राब नहीं करती ज्वेलरी। तो एक ये वाला पीस है जो कि इस तरीके का पेड़ बना हुआ है, ट्री बना हुआ है, और क्रॉप ब्रिज ब्लैक कलर का है, अगेन ये बहुत अच्छा है। ये सारे ही अंडर 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ इस तरीके की रेंज के हैं। ये जो सबसे लास्ट में मैंने चेन लिया था लॉन्ग चेन में, वो सबसे लास्ट पेंडल यही वाला था, बहुत प्यारा है। मुझे आउल वर्क बहुत पसंद है, आउल वर्क बहुत पसंद है, मोर पसंद है, मोर पंख पसंद है, और एलिफेंट प्रिंट्स बहुत पसंद हैं, इस तरीके के डिज़ाइन मुझे ज़्यादा पसंद है। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा ऑल्स ही मिलेंगे, एक वो रखा हुआ, एक ये रखा हुआ। ईयरिंग्स में भी मेरे पास ऑल्स बहुत सारे हैं, रिंग्स में भी हैं। सो एक ये वाला पेंडल है, एक ये वाला है जो कि मेरा फर्स्ट है, और अगेन दिस इज़ द बर्थडे गिफ्ट, ये बर्थडे गिफ्ट है। काफ़ी सारे तो इसमें आपको गिफ्ट ही मिलेंगे, क्योंकि मैं एकदम इतनी चीज़ें लेना पसंद नहीं करती। अगेन ये वाला भी है जो कि मेरी मॉम ने मुझे दिलाया था, काफ़ी सारे तो मेरी मॉम ने ही मुझे दिलाए हैं, और वो मुझे बोलती भी हैं कि ऑल ले लिया कर। तो एक ये वाला चेन है जो कि मैंने अपने फ्रेंड्स के संग लिया था, ये इंदौर से मैंने लिया था, राजवाड़ा से, अगेन बहुत ही प्यारा पीस है। इस तरीके के नेक पीस मैं अपने ऑफिस वर्क में, कॉलेज वर्क में पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, प्लस मैं पहनती भी उस टाइम यही थी। एक ये वाला चेन है जो कि अगेन सिंपल सा है। सो एक मैंने खुद ने लिया था और एक मेरी फ्रेंड ने मुझे दिलाया था इस तरीके से, ये 2 एक जैसे मैंने एक साथ ही लिए थे। नेक्स्ट अगेन इस लिव पत्ती वाला
चेन, इस तरीके की ब्लैक कलर की चेन है, अगेन ये मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा सा टाइट हो गया है बट मैं इसे पहन लेती हूँ। नेक्स्ट अगेन ये मैंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, रिसेंट में ही लिया है बट ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मैंने ले लिया। इसमें 3 लेयर्स ऑफ थी बट एक लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो रही थी तो मैंने रिमूव कर दी। इसका मुझे डिज़ाइन इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि ये कुछ भी बना हुआ है, एक कहीं और जा रहा है एक कहीं और जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं नहीं पहन पा रही हूँ इसे। ये ऐसा कि ऐसा एक बार भी नहीं पहना मैंने। नेक्स्ट इज़ दिस विश बॉटल, लेटर बॉटल बोलते हैं, ये मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया था, कुछ इस तरीके का बटरफ्लाई भी है। आप देख सकते हो कि ये टूटा हुआ आया था और अगेन मैंने इसे चिपकाया है, ये फिर टूट गया। मैं इसे अपने वैनिटी को डेकोर करने के लिए सोच रही हूँ कि मैं यूज़ कर लूँ क्योंकि ये मैं पहन नहीं पा रही हूँ, ये बार बार टूट रहा है, अगर इसी तरीके से ये टूटता रहा तो ये गिर जाएगा एक बारी। इस तरीके की एक बॉटल है अगेन। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको कॉर्नर में दिख जाएगा, तो जो मैंने फर्स्ट सबसे फर्स्ट अपनी चेन ली थी वो यही वाली थी, इसके संग ब्लैक चेन थी बट वो मुझसे टूट गई है। एक ही गॉगल वाली चेन है जिसमें काफ़ी सारी सिंपल चेन्स भी रखी हुई हैं। अगेन दिस इज़ द गिफ्टेड फ्रेंड पैंडल, ये फ्रेंडशिप डे पे मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। अगेन ये एक गिफ्टेड पैंडल है जो कि इसकी चेन भी टूट गई है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं डीक्लटर करने की। दिस इज़ द अगेन क्लब फैक्ट्री, अगेन मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया था, क्लब फैक्ट्री की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि काली हो चुकी हैं मैंने उसको रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट इज़ दिस कौड़ी वाली चेन, इसकी चेन काली हो गई थी इसलिए मैंने थ्रो आउट कर दी, और इस तरीके का आप देख सकते हो इसमें कड़ी है जो कि अगेन काली हो चुकी है। नेक्स्ट अगेन ये गिफ्टेड है, इसमें मेरे पास काफ़ी सारे हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे फ्रेंडशिप डे पे इसी तरीके की चीज़ें देते हैं। अगेन एक ये सिंपल सी चेन है जो कि एडी की होती है, गोल्डन एंड सिल्वर की, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये थोड़ी सी गोल्ड इफेक्ट देती है, और अब मैंने इसलिए नहीं पहनती क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास गोल्ड की चेन है तो मैं वही पहनना पसंद करती हूँ। इनफैक्ट इस तरीके की चेन्स भी पहनना बंद कर दिया है मैंने, बट ये रिसेंटली मैंने हिना खान इंस्पायर्ड लुक में पहना था। ये दो चेन्स हैं, एक ये वाला चेन है, अगेन ये मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया था। सी द चेन कितनी ही काली हो गई है, बिल्कुल नहीं पहन सकते, पर मुझे इसका ये पैंडल बहुत पसंद है, एलिफेंट पैंडल और ये बेबी एलिफेंट पैंडल। ये दो तीन चेन्स हैं, एक ये तीन चेन ये वाली है मेरे पास, देन आई हैव अनदर वन टू ऑफ चेन्स। ये इसमें ये वाली जो चेन है, ये दिस वन इज़ माई फर्स्ट चेन फॉर एवर, जो मतलब बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम, आई थिंक 7-8 साल पहले की चेन है मेरी ये, मुझे ये बहुत पसंद है बट ये अगेन टाइट हो चुकी है और इसका जो पेंडल है थोड़ा सा फेड हो चुका है, यू कैन सी थोड़ा सा फेड हो चुका है, इस वजह से नहीं पहनती। और ये चेन भी मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी सेकेंड बाइंग है, फर्स्ट वाली मेरी सिस्टर की वजह से घूम गई थी, घुमा दी उसने, ये सेकेंड वाली है बट ये वैसी नहीं है जैसी किसी थी, बट काफ़ी हद तक सिमिलर ही है, इसका लॉक कुछ इस तरीके से डिफरेंट चेन टाइप का है। ये सारे चेन्स थी मेरी, वो कुछ इस तरीके का है, और इसमें हैंडमेड ज्वेलरी है मेरी जिसमें मेरे टीके और कान के वाली ज्वेलरी है। फर्स्ट एक ये टीका है जो कि मैंने खुद से ही बनाया था, ये मैंने अपनी हल्दी मेकअप लुक के लिए बनाया है बट इसके लिए मुझे कोई ड्रेस अभी समझ में नहीं आ रहा जिसकी वजह से मैं नहीं वीडियो शूट कर पा रही हूँ कि मैं क्या वेयर करूँ। प्लीज़ अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो दो मुझे, कि साड़ी पहनूँ या क्रॉप टॉप के साथ इससे करूँ। एक ये वाला है जो कि वाइल्ड पर्ल के साथ है, और ये है एक सेकेंड वाला जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि मुझे इस तरीके की ज्वेलरी वर्क बहुत पसंद है। अगर आप मेरा इयररिंग्स का सेकंड पार्ट देखना चाह रहे हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा। पहले जो मैंने शेयर किए थे वो वाले इयररिंग्स नहीं शेयर करूँगी, दूसरे वाले शेयर करूँगी। कुछ इस तरीके का पीस है, आप देख सकते हो कितना प्यारा पीस है, इसका शाइन देख सकते हो, और ये एक ऐसा पीस है जिसे आप किसी भी साड़ी के साथ, लहंगे के साथ, हैवी ड्रेस के साथ पहन सकते हो, ये सब पे चला जाएगा क्योंकि इसमें कोई दूसरे कलर्स नहीं है, सिर्फ गोल्डन है। तो अगर किसी भी जो ड्रेस में आपका गोल्डन टच आ रहा है तो आप पहन सकते हो, बहुत ही प्यारी सी क्वालिटी है, आई कैन शो यू सी।
और बहुत ही अफोर्डेबल भी है। ये टीका है, आप बैक साइड देख सकते हो, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये प्रॉपर गोल्ड भी नहीं है, कॉपर भी नहीं है, ब्लैक कॉपर भी नहीं है, रोज़ गोल्ड में भी नहीं आता है, इट्स डिफरेंट। और इस तरीके की डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। इंस्टा पे मैंने काफ़ी सारी उसमें सेव कर रखे हैं। मे बी जल्दी ही मैं कुछ अच्छा सा ऑर्डर करने का सोच रही हूँ ऑन इंस्टा स्टोर, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके की ज्वेलरी बहुत अच्छी अवेलेबल है। सो ये दो चीज़ें हैं टीका और कान के में। सो गाइज, दिस इज़ द थर्ड बॉक्स और ये लास्ट बॉक्स है। इसमें मेरी ऑलमोस्ट सारे नेक पीसेज हैं और कुछ ऐसे भी नेक पीसेज हैं जिनके संग इयररिंग्स नहीं आए हैं। सो ओपन कर लेते हैं। मैं इसी तरीके से स्टोर करके रखती हूँ। अभी एक एक्स्ट्रा इसमें नेक पीस बड़ा है, जिसकी वजह से इसे मैंने पॉलीथीन रैप करके नहीं रखा है, अदरवाइज सारे ही सिंगल ही इंडिविजुअल पॉलीथीन में पैक होते हैं। सो फर्स्ट जो नेक पीस है वो है ये कुछ इस तरीके का। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मुझे एलिफेंट प्रिंट बहुत पसंद है, सो कुछ इस तरीके का प्रिंट है, क्लासिकल डिज़ाइन वाला। और मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ज़्यादा पसंद है, मैं गोल्डन ज़्यादा पसंद नहीं करती, मुझे गोल्डन बहुत कम पसंद है, रियली कुछ पसंद आता है। अदरवाइज़ इसमें आपको जो भी मिलेगा वो गिफ्टेड ही मिलेगा, मैंने एक भी पीस बाय नहीं किया है। जो भी मैं आपको बता रही, तो ये वाला तो मैंने बाय किया था, मैं कहीं घूमने गई थी वहाँ पर। और नेक्स्ट इज़ दिस ब्लैक नेक पीस, जो कि रिसेंटली ही मैंने अपने रेड लहंगे के साथ वेयर किया था। यू कैन सी सच अ प्रीटी नेक पीस, बहुत ही प्यारा नेक पीस है, डायमंड का है ये। थोड़े से डायमंड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, स्टोन्स लगे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे ब्लैक कलर का पर्ल का काम हो रखा है, हाफ पर्ल का। बहुत ही प्यारा नेक पीस है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मैंने लिया था। ये भी मैंने बाय ही किया था, ये गिफ्टेड नहीं है गाइस, ये आई थिंक 120 या 150 रुपीज़ का मैंने लिया था। सो दिस इज़ द सेकेंड पीस। दिस इज़ थर्ड पीस, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था और अमेज़ॉन से मैंने ये 250 रुपीज़ का लिया था। बट मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद है, ऑल ओवर चीज़ें इसकी मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा बल्की है, मैं सिरके का पहनती नहीं हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इसको पहनने में। सो सच्चा बहुत ज़्यादा हैवी पीस है ये, और कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है इसका, कॉइन प्रिंट वाला है और इस तरीके की कड़ी दे रखी है यहाँ पर। बट मुझे थोड़ा सा ये डिफेक्टिव भी लगता है क्योंकि इसकी कड़ियाँ थोड़ी ऊपर की साइड लगी हुई हैं, इसी ये जो हुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ दे रखे हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं होता, एक जगह टिकता नहीं है, तो मुझे ये चीज़ थोड़ी बॉदर करती है। अदरवाइज़ पूरा पीस बहुत अच्छा है, बहुत ही अफोर्डेबल है, क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है। देखते हैं, अगर मुझे ऐसा लगता है कुछ चेंजेस करने का तो मैं इसमें चेंजेस कर दूँगी थोड़े टाइम बाद, फ़िलहाल मैं इसी तरीके से इससे हैंडल कर रही हूँ। सो एक ये वाला पीस है। नेक्स्ट इज़ दिस पीस, ये मैंने स्पेशली नवरात्रि गरबे के लिए लिया था। सो इस तरीके के इयररिंग्स हैं, जो कि मुझे इसकी इयररिंग्स इतने पसंद नहीं हैं क्योंकि कुछ भी हैं इसे मैं सिंगल भी वेयर नहीं कर पाती हूँ, बट मैंने पहने हैं इसके साथ ही, बहुत ठीक ठीक लगते हैं। सो ये इसकी इयररिंग्स हैं, बट मुझे इसका नेक पीस बहुत पसंद है। सी कितना प्यारा नेक पीस है, इस तरीके के डिज़ाइंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मिरर वर्क हो रखा है और कॉइन्स है, तो मैं कॉइन्स में कुछ लेना चाहती थी क्योंकि आई थिंक ये मेरा फर्स्ट पीस है कॉइन वाले में और लास्ट भी है, क्योंकि इसके अलावा मैंने कभी भी कॉइन प्रिंट का डिज़ाइन वगैरह का कुछ मुझे मिला नहीं, और मिले तो वो मुझे पसंद नहीं आए। अगेन ज्वेलरी का ऐसा है कि पसंद बहुत है लेकिन पसंद आती बहुत कम है। सो एक ये वाला नेक पीस है, दिस इज़ द नेक्स्ट वन, और अगेन ये मैंने रिसेंट में ही लिया है। तो ये सारी ज्वेलरी मैंने बाय की है, अभी गिफ्टेड ज्वेलरी इसके बाद स्टार्ट होंगी। सो ये पीस जो है मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लिया, आई थिंक ये 80 रुपीज़ में मैंने लिया था इंदौर से, और इंदौर में मैंने राजवाड़े से मेरी जो भी ज्वेलरी की शॉपिंग होती है गाइज़ मैं वहीं से करती हूँ, अगर किसी को जानना हो तो। सो अभी तो बंद है, बट जब भी मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी जल्दी तो व्लॉगिंग भी करूंगी। सो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है इसका और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, थोड़े से कहीं कहीं पे ब्लैकनेस हो रखी है बट हम इसे क्लीन भी कर सकते हैं। सो बहुत ही प्यारा पीस है और इसे मैंने अपने वुमेंस डे मेकअप लुक में भी वेयर किया है। नेक्स्ट जो पीस है, अगेन ये इस तरीके का मोर डिज़ाइन का है, ये भी मैंने बाय किया है। सो पहले जो भी मैंने बाय किए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सो कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो कितना प्यारा है, बहुत ही लाइट वेटेड है, टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगेन लॉन्ग चेन है बट
बिल्कुल भी हैवी नहीं है, मुझे इतना एरिया इसका बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसकी चेन थोड़ी लॉन्ग है तो एकदम टाइट नहीं होती है, तो आप कुर्ती वगैरह पे, ब्लैक कलर की कुर्ती पे अगर थोड़ा सा कलरफुल वर्क हो रखा है तो आप उस पर पहन सकते हो, बहुत ही प्यारा जाता है। नेक्स्ट इज़ ये गिफ्टेड है और ये एक डायमंड का नेक पीस सेट है, कुछ इस तरीके के इसके इयररिंग्स हैं, आप देख सकते हो डायमंड के स्टर्ज इयररिंग्स हैं। अगर आप सिंपल भी पहनना चाह रहे हो तो आप सिंपल भी पहन सकते हो अगर इस तरीके की ज्वेलरी लेते हो। इसे मैं इसलिए नहीं पहन पा रही हूँ क्योंकि अगेन ये छोटा हो गया है, तो धीरे धीरे मैं सारी ही ज्वेलरी लॉन्ग करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आप देख सकती हो बहुत छोटू सा है और टाइट है मुझे। बट आप इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हो, बट इसकी चेन ही छोटी है और अगर मैं इसको ज़्यादा ऊपर कर लूँगी तो ये जो चीज़ है इसकी वो नहीं दिखेगी अगर करने पर। तो जल्दी मैं इसको भी लॉन्ग करूँगी, बट मैं ऑलरेडी एक लॉन्ग सेट करने का वीडियो कर चुकी हूँ सो वो अब मैं नहीं शेयर करूँगी, बट इसे मैं खुद ही कर लूँगी। तो एक ये वाला पीस है। नेक्स्ट जो मैंने पीस आपके संग जैसे कि बताया कि शेयर किया था कि अगर आपके पास कोई छोटा आपका सेट है, आपको बहुत पसंद है तो अगर आप उसे बड़ा करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, अगर पॉसिबिलिटी है तो हम ट्राई करके देख सकते हैं। सो कुछ इस तरीके का डायमंड सेट था जो कि मेरा बहुत पुराना है, अगेन ही गिफ्टेड है, मेरी मॉम का सेट है जो कि उनको भी छोटा हो गया था तो उन्होंने मुझे दे दिया और मुझे छोटा हो गया था इस वजह से मैं पहन नहीं पाई थी। कुछ इस तरीके की इयररिंग्स है इसके और मैंने इसमें पर्ल ऐड करके इसको लॉन्ग कर लिया है, तो जल्द ही मैं किसी वीडियो में पहनूंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। आप देख सकते हो 10 साल हो गए इस नेक पीस को, बट डायमंड शाइन बहुत जल्द शाइन कर रहे हैं। सो एक ये वाला नेक पीस है। नेक्स्ट ये वाला पीस है जो कि ये लास्ट पीस है, और कुछ ज्वेलरी जो भी मैं पहनती हूँ वो मेरी मॉम की रहती है तो वो तो मैं नहीं शेयर कर सकती आपके साथ। कुछ इस तरीके की इयररिंग्स है, ये गिफ्टेड सेट है जो कि आई थिंक मेरी मामी या मेरी मौसी ने दिया था, या शायद आई डोंट नो किसने दिया था क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। इस तरीके का नेक पीस है और इस तरीके की इयररिंग्स है, तो इसकी इयररिंग्स थोड़े से डिफरेंट है, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि ये रेड एंड ब्लैक वाइट कलर के हैं और ये नेक पीस जो है वो है ग्रीन एंड रेड गोल्डन कलर का सी। सो एक ये वाला नेक पीस है। यही सारे नेक पीसेस थे जो मैं आपके संग शेयर करना चाह रही थी गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि बिल्कुल फ्री है, पास ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा उस पर भी हिट कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बाय।